विद्वान शिक्षक वृंद, आज हम लोग जैसा आप लोग जानते हैं 23 जनवरी 2022 पराक्रम दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और इसलिए मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जयंती भी है। सुभाष जी वो शान हिंद आ गए, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज पे जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म कटक में हुआ था वो सब विस्तार से आप सभी जानते हैं। मैं सर्वप्रथम इनके सिंगापुर, ये जो उद्घोष आपने अभी सुना ये सिंगापुर के आगमन में, सुभाष चंद्र बोस के आगमन पर ये उद्घोष आर्मी के जवानों ने किया था जिन्हें उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उन्हीं के वेलकम के लिए ये गीत गाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे लोगों से प्रभावित रहे जिनमें सबसे पहले वेणी माधव प्राचार्य थे उनके विद्यालय के, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और प्रकृति से संबंधित चीज़ों के बारे में वो उनके निकट जाने की उन्होंने प्रेरणा दी। उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो देशबंधु चितरंजन दास थे। चितरंजन दास कहा जाता है कि एक बहुत अच्छे वकील थे और वो एक दिन में हजारों कमाते थे और एक घंटे में हजारों मिटा भी देते थे, लेकिन सुभाष देशबंधु चितरंजन दास ही वो व्यक्ति थे जिन्हें देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था ये उन्हें पता था कि वो कैसे काम कराना है, किससे काम कराना है, क्या काम लिया जाएगा और कब लेना है, ये सारे स्पष्ट निर्देश उनके मस्तिष्क पटल पर थे। उनके आदर्श के रूप में अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर उनके आदर्श थे जिनके आदर्शों पर वो हमेशा चले। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद देशभक्ति और छुआछूत की भावना और अन्य समस्याओं को दूर कर देश को हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे और हिंदुत्व के लिए उन्होंने बहुत सारे शिकागो धर्म सम्मेलन किए, उसी प्रकार वीर सावरकर ने भी भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और जिस समय उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह ले जाया जा रहा था वहाँ से वो समुद्र में कूद कर वहाँ से निकल गए थे उनके चंगुल से, लेकिन पुनः उन्हें अंडमान जेल में जिसे सेलुलर जेल आज कहा जाता है वहाँ उन्हें वहाँ जेल दे दी गई और वहाँ वो कई सालों तक रहे। आज उनका एक बड़ा स्टैचू वहाँ आप देख सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके राजनीतिक गुरु आईसीएस की परीक्षा सुभाष चंद्र बोस ने 4वें रैंक में पास की और उसके बाद उन्होंने उसे त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं करना चाहते थे और अपने देश लौट आए। महर्षि अरविंद ने उनको बड़े स्तर पर प्रेरणा दी और उन्हें मार्गदर्शन किया और कहा कि आप आइए। और सुभाष चंद्र बोस का जो सबसे प्रिय कार्य था वो था उनका प्रमुख रूप से बनना, शिक्षण करना और पत्रकारिता। ऑल इन बंगाल यंग मेंस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने भाग लिया तो उन्होंने अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की 1922 में कि हमें आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम निष्ठापूर्वक कार्य करें, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करें, शिक्षा प्रसार करें, स्वदेशी की भावना जगाए रखें, सांप्रदायिक एकता बनी रहे, छुआछूत को मिटाया जाए, बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा का उन्मूलन करना, समाज सेवा, अनुशासन, सत्य और न्याय के पथ पर चलना, ये उनकी सबसे प्रमुख स्पष्ट धारणाएं थी। बाद में उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने सहयोग भी किया। 2 बार वो अध्यक्ष भी चुने गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, 1 बार वो हरिपुरा में चुने गए जो एमपी में है और दूसरी बार वो त्रिपुरी में चुने गए जो गुजरात में है। परंतु त्रिपुरी में महात्मा गांधी की जो प्रतिष्ठा थी वो दांव पर लग गई और पट्टादी सीतारमैया के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अंत में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से अलग होकर स्वतंत्र संघर्ष के लिए, अपने स्वतंत्र प्रयास के लिए उन्होंने बर्लिन और गोमो स्थान धनबाद में है वहाँ से वो कालका मेल से, दिल्ली कालका मेल से होते हुए काबुल होते हुए और वो रूस के मास्को पहुँचे और वहाँ से वो हवाई जहाज से बर्लिन गए और शत्रु के शत्रु से मिलते हुए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और जापान आकर उन्होंने फिर वहाँ से सिंगापुर आकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और एक नई सरकार बनाई बिल्कुल ब्रिटिश के समानांतर। उस सरकार का नाम था आज़ाद हिंद सरकार और उसने आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग सलाहकार थे, लक्ष्मी सहगल जैसी रक्षा महिला संगठन की नेत्री थी,
और 9 देशों ने इस सरकार को सहमति प्रदान की। तो आप जानते हैं ऐसे वीर प्रतापी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्हीं नारों के साथ कोहिमा तक, नागालैंड के कोहिमा तक आजादी फौज ने अपना प्रयास सफल कर लिया। परंतु सूचना मिलते ही कि जापान पर बम गिर गया है, उन्हें रंगून से हटाया गया सुभाष चंद्र बोस को हवाई जहाज के माध्यम से। और ऐसा कहा जाता है कि ताइपे जाते समय, ताइवान में, ताइपे उसकी राजधानी है, वहां उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो बहुत बुरी तरह झुलस के जल के मर गए। परंतु कुछ भ्रांतियां हैं, लोगों का कहना है नहीं, वो वहां जले नहीं थे ना ही मरे थे, बल्कि उन्हें रंगून में और कई जगह उन्हें देखा गया, बाद में उन्हें मंचूरिया में भी देखा गया। उसके बाद उनको नेहरू जी की रथ जुलूस निकल रहा था मृत्यु का, उसमें भी देखा गया। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय भी सुभाष चंद्र बोस को देखा गया। और अंततः वो गुमनामी बाबा के रूप में अयोध्या में ही उन्होंने प्राण त्यागे। वहाँ पर गुप्तार घाट है, वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई और आज भी वो मौजूद है। तो उनकी मृत्यु अगर हम ध्यान से देखें, रिकॉर्ड से अलग हटके, तो 16 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऐसे आजाद हिंद फौज के मेधावी, संघर्षशील, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना देश, अपना घर, अपने साथ साथ में अपने साथी संगति, और यहाँ तक कि गुमनामी के रूप में रहे, ऐसे लोगों के बारे में आज हम उन्हें नमन करते हैं। विशेष रूप से खून पानी हो गया, लोग वैसी हो गए, खून पानी हो गया, लोग वैसी हो गए, शुक्र इस दौर में, शुक्र तुम इस दौर में आने से पहले खो गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जो आज़ादी की लौ जलाई और उन्होंने जो सैनिक का वेश रख करके कलकत्ता में मार्च किया, साथ साथ में उन्होंने जो डलहौजी स्क्वायर में ब्लैक होल की प्रतिमा के लिए संघर्ष किया, उसको एक काला मूर्ति माना और उसे मिटाने का संघर्ष किया, और बाद में जेल भी गए, लेकिन ये गलत धारणा थी और उन्हें वापस लेनी पड़ी अंग्रेजों को और नेताजी को आज़ाद करना पड़ा। तो इस तरह आप देखते हैं कि उन्होंने जो कलकत्ता में मूर्ति के लिए संघर्ष किया, उस मूर्ति को पुनः उसे वहाँ से अंग्रेजों ने हटाया और सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई, वीरता सामने आई और उन्होंने अपने देश को आज़ाद तो नहीं करवा पाए, परंतु उनके मन में ये अवश्य धारणा थी कि वो अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर दे। और इसीलिए उन्होंने कहा, आज भी हमें ये चीज़ प्रेरणा देती है, सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न 1992 में उन्हें प्रदान किया और उनकी ये प्रेरणा हमेशा याद आती रहेगी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। और उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व भारत माता पर निछावर कर दिया। उनके जय घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।